चुनाव आने वाले हैं, उस विधानसभा चुनाव के अंदर भाई बलवान सिंह धोलपिया को कम से कम 1000 वोटों में लीड दिलाएंगे। यही लड्डू मिलेंगे, सभी एक जगह बैठे रहो, सभी को बारिश से लड्डू मिलेंगे। बैठ जाएगी तो फतेहबाद विधानसभा में इतना काम करेगा कि आने वाले विधायक के खातर शायद ही कोई काम छोड़ जाएगा। इतने आप विकास कार्य करावा, चाहे टावरा नौकरी लगाने की बात हो, चाहे जो अपने ढाणिया मास के दिन समस्या है, कहेंगे लाइट को नहीं, कहेंगे रप को नहीं, कहेंगे वाटर सप्लाई को पानी को नहीं। मेरी भी सोच है भाई ढाणी में रहने वाला आप 3 सुविधा मिलनी चाहिए, पक्को रास्ता तो मिलना चाहिए, पानी नहरी मिलना चाहिए, लाइट मिलनी चाहिए, क्योंकि लाइट के बिना काम कौन चल रहा है। और पक्को रास्ता तो भैया आजकल है जो स्कूल वाली वैन है टापरा खातर प्रत्येक ढाणी में जाओ, रास्ता तो नहीं हो तो ढाणी वैन कौन सा बात दिक्कत आवे। और तीसरी बात है जो पानी है, निश्चय का पानी ठीक होनी तो प्रत्येक गांव में वाटर सप्लाई जाना चाहिए। वो मेरे तारो वादो है कि फतेहबाद विधानसभा से ढाणी कितनी दूर हो है, तीन सुविधा प्रत्येक ढाणी देने की काम करांगा। और भी जो कांग्रेस पार्टी घोषणा कर रखी है, भी कांग्रेस पार्टी को राज राज्य को तो मैं बहुत सी लोक लुभावनी घोषणा कर रखी है, जो भी वहाँ एकाए भी बुढ़ापा पेंशन, क्योंकि आज महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, कोई भी सरकार आज महंगाई एकदम कम कौन कर सके, लेकिन आम आदमी की जेब में कुछ आर्थिक सहायता करके कुछ रुपए पैसे डाल के उस महंगाई को कुछ कम कर सकती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने घोषणा कर रखी है कि बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपए करेंगे, जय घर में 12000 रुपये मिलेगा लाख जगह तो कठिन कठे में महंगाई आम आदमी रात मिलेगी। दूसरी बात लाइट में ना काम कौन चल रहा, लेकिन लाइट प्रति यूनिट महंगी बहुत है, आम आदमी आज बिल को नहीं भरेजा, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। तो पार्टी घोषणा कर रखी है कि प्रत्येक घर में 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, जो मीडियम परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार है, छोटो परिवार है, लाइट अगर ठीक ठाक जला दो 300 यूनिट महीनों में वो ठीक ठाक टप जाए तो मैंने शायद लाइट को प्रपोज नहीं पड़ेगा। और तीसरी जो सबसे जरूरी बात है वह है सिलेंडर की बात। आज सिलेंडर 1150-1200 मिले तो आम आदमी जब बढ़ावे बड़ो महसूस हो गए, जो मैं भी महसूस करें हमारे घर में 2.5-3 सिलेंडर लगे मिलेगा, 3500-3700 रुपया देवा जल्द थोड़ा जो जी थोड़ा उत्सुक सो है। जब मैं सोचिए आम आदमी भरे तो बड़ा मुश्किल काम है, और सिलेंडर में ना काम चल रहा को नहीं, क्योंकि बू पढ़ी लिखी आ गई, आप कहते 4 दिन रोटी चूल्हे पर बोले 4 दिन ठहर के सिलेंडर दियावांगा तो घर लड़ाई बधाई करा लिए चूल्हे पर रोटी कौन पकेगी। तो इतनी आज जरूरी चीज है तो गवर्नमेंट ने पर सब्सिडी देनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो वहन कर सके महंगाई, आम आदमी कौन कर सके। गवर्नमेंट 60% दो, 70 दो, 80 दो, सब्सिडी दो, लेकिन आम आदमी ने सिलेंडर 500 रुपया मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टियां घोषणा कर रखी है कि प्रत्येक घर में सिलेंडर 500 रुपया मिलेगा, जो ऊपर सब्सिडी का पैसा बढ़ेगा वह हरियाणा सरकार व तेल कंपनियां देगी। और भी चाहे टापरा नौकर लगाने की बात हो, अग्नि चाहे अग्निवीर योजना और MSP का जो मुद्दा है वह है तो केंद्र सरकार का मुद्दा, लेकिन राहुल जी ने लोकसभा में स्पष्ट कहा है कि जब ही हमारे केंद्र में सरकार आएगी अग्निवीर योजना भी खत्म करांगा और किसान ने MSP गारंटी कानून भी देगा। जब किसान ने MSP गारंटी कानून मिल जाएगा तो फिर फसल का दाम भी ठीक मिलेगा, फिर जीवन सतर ठीक हो जाएगा। और सारी बातें ध्यान में रखते हुए आने वाली पीढ़ी खातर, आने वाले हरियाणा के उज्ज्वल भविष्य खातर कल सारे भाईचारा ने एकजुट रखियो, और तारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, सिर्फ राम सर गांव काम पहुंचा लगो। आज पड़ोस में भी जाइयो, रिश्तेदारी में जाइयो, फ्रेंड सर्कल में जाइयो, इन्हें मिन्ने फोन ज्यादा से ज्यादा घुमाइयो और ज्यादा से ज्यादा समर्थन करियो, ताकि बहुत बड़ी लीड मिले, बहुत बड़ी लीड मिलेगी तो अपनी फिर कद ऊंचो बढ़ाओ, कद ऊंचो बढ़ा तो फिर जिम्मेवारी ज्यादा मिले, फिर किन की हल्कन पावर ज्यादा मिलेगी। तो राम सरगान तो सजग और सावधान है पहले भी, क्योंकि ये तो बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ता रहो, तारा पर बड़ा बड़ा कष्ट भी आता रहे, लेकिन ते चिंता ना करो, कष्ट कष्ट 2 महीना दे और जाड़ बेच लियो, ऐ जो कष्ट कष्ट करे नहीं ऐ कहने तो ये कुल पागा ये सोच ना करियो। पर जो अधिकारी ताने परेशान करे, सरपंच साहब की आज सुने को नहीं, कदे झूठा केस कोई लगा दे, कोई के लगा दे, वह अधिकारी भी तारा चौक में आगे तारकुन माफी मांगा गिर काम मांगी, चिंता ना करियो। तो एक एक बात भी मेरे ध्यान में, लेकिन एक टाइम आ गया अपनो, अभी अपना टाइम नहीं है, इसलिए 2 महीना तो रुक जाओ, गांव के मत एन सुख शांति को माहौल है बिल्कुल बढ़ा दिया जागो, और अधिकारी गांव में आगे ताने पूछे करेगा
बताओ भी तरफ के काम करा। रामसर गांव में कैंप लगाया करा, चाहे कोई बुढ़ापा पेंशन का फार्म भरना हो, चाहे कोई दूसरी चीज का फार्म भरना हो, तारा चौक के वहां सरपंच कहना अधिकारी बैठेगा उड़ी के तारा सीएससी सेंटर के वहां फार्म ठीक कराइयो, बस सुविधा तारा उड़े मिलेगी। आज बात जब संभव होगी, जब अपनी सरकार आवेगी और सरकार जब आवेगी, जब थे बैठो के मदद करोगा तो मैंने इतवार भी तारा पर भरोसा भी है, क्योंकि रामसर गांव क्रांतिकारी गांव है, स्वाभिमानी गांव है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने कहने 60 दिन को टाइम है, तो 24 घंटा में थे 2 या 3 घंटा जरूर काट दे करो, इन्ने मिन्ने मेरे नाम का थोड़ा गीत गाया करो, गीत गाने थोड़ी हवा बढ़े और हवा ही जितने सुनाओगे वहाँ बट्टू मंडी में जाओ तो बैठे गीत गा दिया करो ठीक लगे तो, और इन्ने मिन्ने चूड़े चौक में बैठो के चूंतरी पर बैठो, 4 आदमी में बैठो तो ठीक बात करे, तो एक बार सर्वे वाला फिरे तो वह भी तारी बात सुनाए तो अपना सर्वे भी ठीक जागो, क्योंकि आजकल टिकट देने का आधार सिर्फ सर्वे है। जब आदमी को सर्वे में नाम ठीक जागो बेगो बितो जाओ ज्यादा मजबूत बनेगो, तो सर्वे जब ठीक जाओ जब गीत ज्यादा गाए जाएगा तो सारे भाईचारा ठीक ठाक चलियो भाई, और लेगी ग्रुप बना के जो ते मान सम्मान बढ़ाए जो इज्जत बख्शी बेखातर, में सारे भाईचारा को बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। काली भंवर जी राव बात हुई, मैं बोल जी कई दिन अगर लोकसभा चुनाव के बाद में आया को नहीं तो गांव में आएंगी सदा शेती, तो भाईचारा को धन्यवाद कर दिया शेती चाय पी लिया, मैं तो मान कहे कोई 20-30-40-50 आदमी इकट्ठा कर लियो भाईचारा मिल जाएगा, लेकिन मनो को पुतो भंवर जी इतना तगड़ो प्रोग्राम कर देगा, सारे भाईचारों को मिला देगा। आज बड़ो मैंने बढ़िया मौको दिया, सारो भाईचारो आ गयो, मैं 2-4 नाम पूछो ट्रैक्टर में बैठे बैठे भी फलाना कौन देखियो पूरा अंत ही देखियो तो देख लियो, एक तो वो सीताराम नाण लाओ बिन्ने बैठे 2-4 लोग बैठे इन्हें, मैंने वो कौन ये कहते इन बिन्न नहीं रह गया, कहते कि मुश्किल हो जाए, कोई मेरी गलती हो गई, 5 साल मेले रहे आदमी कठिन खड़े गलती हो जाए, लेकिन मैं गलती ने या मन में ना रखियो, कोई बात हो तो मैंने बता दियो उसका मेरे कोई गलती हो बेखातर मैंने माफी दे, आगे आप बात बेड़ा बैठ गया आप अपने आपस में सुलटा लेगा, कोई चीज रात नहीं गया अपन जरूरत को नहीं, लेकिन सारे भाईचारा एकजुट राखियो और आने वाले 2.5 महीना बाद में जो विधानसभा का चुनाव है वे दब के मदद करियो और गांव भारी बहुमत जिता के भेजियो, फिर मेरे काम है चिंता ना करियो, फिर तारो एक एक कष्ट काट रो काम करूंगा, पूरे बुला के जो तो मान सम्मान बढ़ाए लो इज्जत बख्शी, जो मेरे मान सम्मान में जो 4 चांद गया बेखातर राम सरे गांव को सारे गांव को तय दिलू आभार व्यक्त करूँ, धन्यवाद जय हिंद।